अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तकी मुजफ्फर और आप देख रहे हैं पी टी वी स्पोर्ट्स। दोस्तों, मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को ईद उल अज़हा की ढेर ढेर खुशियां मुबारक हों। दोस्तों, केपीएल से मुतलिक सवाल, शाहिद खान अफरीदी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक कप्तान से पूछा गया कि क्या पीसीसीआई और हिंदुस्तानी क्रिकेट शायकीन को केपीएल सीजन 2 के बारे में कोई पैगाम देना चाहेंगे, तो शाहिद खान अफरीदी ने जवाब में कहा कि उन्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि केपीएल सीजन 2 हो रहा है। क्या रहे कि गुज़िश्ता साल बीसीसीआई ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को धमकी दी थी और उन्हें केपीएल से बाहर निकलने को कहा था, जिसके नतीजे में चंद गैर मुल्की क्रिकेटर आखिरी लम्हात में इवेंट से दस्तबरदार हो गए। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खान अफरीदी ने बताया कि मैं इस दफ़ा सिर्फ दो ही मैच खेल पाऊंगा, जो कि जम्मू जबाज की तरफ से खेलूँ, और कहा कि केपीएल इंतजामिया मुझे रिटायर नहीं होने दे रही, मैं एक दो मैच खेलने की पूरी कोशिश करूँगा। ये मेरे मद्दाहों की मोहब्बत है जो मुझे अभी खेलना देखना चाहते हैं।